पवित्र दीक्षा भूमि पर स्थित डॉक्टर आम्बेडकर कॉलेज मध्य भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। इस साल डॉक्टर आम्बेडकर कॉलेज इसी साल डायमंड जुबली वर्ष मना रहा है, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान डॉक्टर आम्बेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीए मेहरे इनके द्वारा दी गई। कॉलेज को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बैंगलोर द्वारा 2024 में उच्चतम A+ ग्रेड पर फिर से मान्यता दी गई है, जो गुणवत्ता और प्रगति की खोज के प्रति हमारी अविश्वसनीय प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कॉलेज नैनो विज्ञान में 6 स्नातक, 12 स्नातकोत्तर, 5 डॉक्टरेट कार्यक्रम और 1 स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करता है। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ कॉलेज कई सह पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों की मेजबानी करता है और इसने पाठ्यक्रम, सह पाठ्यचर्या और पाठ्येतर क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें विश्वविद्यालय परीक्षाओं में रैंक 2022-23 में 42 विश्वविद्यालय योग्यताएं और सराहनीय स्थान शामिल है। विभिन्न खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में इंक्यूबेशन संबंधी गतिविधियों में अनुकरणीय पहल के लिए इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल IIC द्वारा कॉलेज की सराहना की गई है। हमारे कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ये अभी 60 साल पूरे कर रहा है, ये डायमंड जुबली हम सेलिब्रेट करने वाले हैं और इस डायमंड जुबली के सेलिब्रेशन में हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का सोचा है और ये हमने कुछ प्लान्स बनाए हैं। उसके लिए हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल एग्जीबिशन, ऐसे हम बच्चों के लिए बड़े उपक्रम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम करने वाले हैं। उसके लिए बड़े गेस्ट्स हम, जो इंटरनेशनल ख्याति के जो ये गेस्ट्स हैं, उनको बुलाने वाले, जो अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जिससे विद्यार्थियों का और यहाँ में कुछ समाज में जो भी लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका भी कुछ हम उसमें योगदान लेंगे और उस बच्चों का जो भी फायदा होगा, उससे बच्चों की वृद्धि होगी, बच्चों में जो नॉलेज आएगा वो उनके थ्रू ऐसा नॉलेज हम इम्पार्ट करेंगे एंड दैट विल बेसिकली गिव अ डिफरेंट सेल टू द सोसाइटी आल्सो, मैंने सोसाइटी को भी एक नाम मिलेगा और समाज में जो बच्चे पढ़ते हैं और कॉलेज में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको एक अलग ही थोड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा इस 60 साल के प्रोग्राम में और बच्चों का उसमें निश्चित ही फायदा होगा। कॉलेजला 2004 जेव्हा नॅक कमिटी आली होती तेव्हा A+ ग्रेड आलेला होता, त्याच्यानंतर 5 वर्षांनी नॅक कमिटी येऊन गेली कॉलेजला आणि 2011 ए ग्रेड, 2017 ए ग्रेड आणि परत आता 2024 आपल्या कॉलेजला A+ ग्रेड आलेला आहे विथ CGPA 3.35 आणि आपलं कॉलेज आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, लॉ हे अशा 4 स्ट्रीम्समध्ये आहेत आणि त्याच्यामध्ये A+ ग्रेड न्यू बेंचमार्किंग सिस्टीममध्ये भेटणं हे खूप मोठं प्राईडची गोष्ट आहे पूर्ण मॅनेजमेंटसाठी, कॉलेजच्या पूर्ण स्टाफसाठी, स्टुडंटसाठी आणि आपले कॉलेज भरपूर चांगले प्रोग्राम राबवतो स्टुडंटच्या डेव्हलपमेंटसाठी, त्यांच्या स्किल डेव्हलपमेंटसाठी, पर्सनॅलिटीज, सॉफ्ट स्किल डेव्हलपमेंट, उन्नती म्हणून आमचा एक खूप प्रोग्राम आहे ज्याला खूप चांगला रिस्पॉन्स नेहमी स्टुडंट्सकडनं भेटत राहतो। ओव्हर दिस इयर्स कॉलेजने खूप सारे MOUs आणि कोलॅबोरेशन्स एस्टॅब्लिश केले आहेत आणि मोठे मोठे युनिव्हर्सिटीज, ऑर्गनायझेशन्स, दे लुक फॉरवर्ड टू कोलॅबोरेट विथ अस एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इसके साथ ही कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से डायमंड जुबली वर्ष के तहत मनाए जा रहे विविध कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी साझा की है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।